कैमरे में भाई थोड़ा एक मिनट एक सेकंड एक सेकंड खड़ा हो जा रहे खड़ा हो जाए खड़ा हो जाए घर आ रहे खड़ा हो हाँ मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ अब जो है राक्षस पीछे से डंडा लगा दे भोंकते हुए डंडा लगा उसकी आवाज पलट जा ठीक है बकरी कट गया बकरा कट बच्चा करे रोता हुआ और उसके रोने की आवाज निकाल दूं रोने की बस सिर्फ ये है कि हमें जो है जो हमें हम पे आता है उसे बांटना है उस परमात्मा की दया जो है हम पे अलग से है हमारे पास इतनी कलाएं हैं कि आप सोच भी नहीं सको क्योंकि 81 साल में ये आदमी हमारे बीच में बैठा ये इतनी जो है कलाई जानता होगा वही पहले जा हां कोणी कोणी पिजाओ पिजाओ उसने कोणी पिजाओ हां ये कोणी जाए उसके बाद टच नहीं होने देना ऊपर ऊपर टच नहीं होना 10 रुपए इनाम है हमारा ये जो है एकदम करके दिखाओगा 10 रुपए इनाम है टच नहीं होना Thank you.
सकती है। क्योंकि पहले हम लोग बगैर देखे प्यार किया था। कैसे? पहले मतलब मैं उसका गांव पे गया तो उसने मेरा शक्ल दिखा तो उसका नंबर मेरे मोबाइल पे आया था, फिर रॉन्ग नंबर बनाए, फिर मैं बात क्या ऐसे ऐसे बोल के, तो फिर उसने बोला कि तू वो है, तो मैं बोला हाँ, बोला तो मेरे को तो उसने देखा लेकिन मैं नहीं देखा। फिर एक साल के बाद मिला और मेरा ऊपर बहुत सारा लड़की आज भी जलता है क्योंकि मेरे को बिगाड़ने का चक्कर में, और लड़की तो मेरा साथ कितना गेम खेलता है कि मैं किसी तरह इसको फंसाऊं बोल, लेकिन वो नहीं फंसा सकता। आज भी एक लड़की गेम खेल रहा है मेरा साथ, मेरे को कोई टेंशन नहीं क्योंकि मेरे को संध्या पे इतना भरोसा है कि वो मेरे को बहुत भरोसा करता है। वो मैं उसको हर एक चीज़ बताता है कि मेरा मोबाइल पे इतना लड़की का नंबर है, ये लड़की मेरे को ऐसे मैसेज देता है, मैं हर एक मैसेज उसको सेंड करता है, कोई भी लड़की देगा मैं मैसेज सेंड करता है कि गौर से पढ़ के देख ले, इसलिए वो मेरे पे कभी शक नहीं करता है, बोलता है तेरे को जो दिल में आए अच्छा कर बोल। मेरे को आज भी बोलता है कि तेरे को अगर मुझ में बातें कम करते पड़ता है तो तू और दूसरा भी देख के बात करते रहे बोल, जैसे टाइम पर मैं बोलता नहीं बोल, मतलब हम दोनों में कोई परेशानी नहीं, उसका तरफ से मैं फ्री हूँ, मेरा तरफ से फ्री। नहीं 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 मेरे को क्या अजीब लगेगा, चलो बोलते हैं। पैसों की वजह से और कुछ स्टडी मेरी ऐसी अच्छी नहीं रही कि मैंने छोड़ दिया। फिर कॉलेज मैंने वहाँ गांव से ही करी है ना, तो वहाँ पे मैं देखती थी कि हाँ नर्सिंग है, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नर्सिंग ही कर लूँ, रहूँगी तो हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टरी छूट गई तो क्या हुआ। डॉक्टरी का सपना तो मैंने व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तभी मैंने छोड़ दिया था। आपका सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है, कि आपको कब पता लगेगा कि आप सक्सेसफुल बन गए? जब मेरी नर्सिंग में अच्छी जॉब लग जाएगी, नर्सिंग में अच्छी जॉब लग जाएगी, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी अच्छी सैलरी है, या फिर अभी इस डेट मतलब इस टाइम पे मैं कहीं भी जाके ये नहीं होगा कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। जब मेरे पास नॉलेज हो जाएगा, मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, और फिर मैं कुछ टाइम जॉब करने के बाद मैं शादी करूँगी। और दूसरी बात, हमारे गांव में अलाउड नहीं है लव मैरिज, बिकॉज माय मदर इज लिविंग इन दिल्ली, बट फिर भी वो गांव के तरीके से जी रही है। सो यू आर नॉट फॉलोइंग लव? आई फॉलो इन लव, बट अगर मेरी मम्मा एग्री नहीं होंगी तो आई कांट। तो अभी वो हाउ इज दैट गाय रिस्पोंडिंग, ही इज वेटिंग और क्या? ही इज वेटिंग, कोई उसने तो मेरे को बोल दिया है कि कोई बात नहीं, हम लाइफ भर ऐसे ही रहेंगे। दूर दूर पर साथ साथ।
बिकॉज मैं उसे अभी आई लाइक हिम बट मैं उसे अपना अच्छा फ्रेंड करती हूँ. वो मुझे ना बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में, मेरी जॉब हो, मेरी स्टडी हो. सो अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है उसमें भी मुझे वो सपोर्ट करता है, तो मैं इस वजह से मैं उसे ज़्यादा लाइक करती हूँ. अगर आपकी कोई केयर करेगा तो आप उसके तरफ ज़्यादा ही. थैंक यू. बिकॉज इसका रीज़न ये है कि वो मेरी कास्ट का नहीं है, बिकॉज हम ब्राह्मण हैं और वो राठौर होते टाइप. तो मेरे यहाँ अगर शादी होगी तो ब्राह्मण में होगी, और इसके बाद भी अगर तुम ब्राह्मण से भी करते हो ना तो भी बोलेंगे तुमने अच्छा नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब अजीब अजीब बातें सुनाएंगे. फ्रेंड है, फ्रेंड यानी कि भाई जैसा नहीं, भाई जैसा नहीं रहते, क्योंकि मैं इसको भाई कभी मानता नहीं हूँ. मैं भी इसको भाई नहीं बोलता, नाम से बुलाता. भाई बोलने से तो भाई का नाता नहीं माना पड़ेगा. भी बड़ा गलती कर ले मैं इसको गुस्सा नहीं होता इसको. यही के क्या है, ये मेरे सामने अगर गलती काम भी करेगा ना तो मैं इसको प्यार से समझाऊंगा, दोस्त के जैसे. मैं आज तक इसको कभी एक झपट मारा भी नहीं, ऐसा हम लोग का लगाव है. कितना भी बड़ा गलती कर ले पता नहीं ऐसा क्यों. और हम लोग साथ में ही रहते हैं और साथ में ही पिक्चर देखते हैं. हम लोग भाई का रिश्ते में रहते ही नहीं, एक ही के मोबाइल पर पिक्चर देखेंगे और लड़की के बारे में भी साथ में ही बात करेंगे, शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. दोस्तों लोग के साथ जैसा यानी होता है ना, वैसा हम लोग करते हैं कि तेरा होने वाला पत्नी कैसा होगा, मेरा होने वाला कैसा होगा, तेरा वाला कैसा बात करेगी, मेरा वाला कैसा बात करेगी, और जब प्यार होता है तो कैसे होता है, ये सब का बात हम लोग साथ में सेटल करते हैं. कौन बड़ा है कौन छोटा, यानी कि एक दिन का होता तो छोटा लगता ना, हम लोग तो 8 मिनट के हैं. इसलिए मैं एक ही बार सोच लेता हूँ हम लोग का मिस्टेक भी हो सकता होगा, शायद ये भी मेरे से बड़ा हो सकता है कि नहीं. आप दोनों तो साथ थे ना, उसमें कौन बड़ा कौन छोटा बोल नहीं सकता, लेकिन नाम तो बड़ा मुझे दिया है कि नहीं. कौन बड़ा कौन छोटा, आप ही तो बड़ा. वो तो सब बोलते हैं ना आप बड़ा, जब उस टाइम में तुमको बड़ा चुना जाने से तो इसका थोड़ा हर चीज़ में कमी है, खाली पढ़ाई में आगे है और काम उम में नॉलेज में कमी है, ऐसा बनाया गया है. या जहाँ भी ये मेरे से सी में ही है, ए ग्रेड में नहीं, बी में ही है. जहाँ तक मैं काम करता हूँ, जहाँ तक मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा कमी करता है कि ये छोटा है, छोटा को छोटा ही जैसे दिखा जाता है ना. और ये मेरे से कम ही कमाता है और इसका कम ही रिस्पेक्ट होता है, ये मेरा अनुसार ही चलता है. मैं जो बोलूँगा इसको हर जगह काम में ही दिखाया, इसको सही रास्ता यानी कि काम करने से क्या होगा इसको मैं ही सिखाया. यहाँ केरला में भी हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे मैं वेटर करता हूँ, कभी कभी मैनेजरी भी करता हूँ, ये किचन में काम करते हैं कुकिंग. तो मुझे डेली का 450 रुपये सैलरी मिलता है और इसको 350 रुपये, 100 रुपये का डिस्काउंट. अगर ये मेरे जैसा चाहता, अगर मेरे जैसा नॉलेज करता तो ये भी मेरा यहाँ उतना आ सकता था. लेबर मिस्त्री का काम करते, लोकल में घूम घूम के काम करते, और ऐसे ही 4-6 महीना रहेंगे, फिर आएंगे, फिर गांव में 1-1.5 महीना रहेंगे, फिर जाएंगे, ऐसी बात है ऐसे. और क्या कहने गए, 4-6 महीने आप काम करेंगे फिर 1-1.5 महीना पक जाएंगे. हाँ आएंगे फिर, नहीं तो 1-1.5 साल भी रहते, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर का कुछ प्रॉब्लम होता तो आएंगे, फिर घूम घाम के जाएंगे, फिर वहीं डूट पे लग जाएंगे.
ऐसी बात है। वो अभी क्या गांव में मेरा एक लड़की का 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो इधर आना पड़ा, नहीं तो गांव में काम करता था। अभी शादी हुआ? हाँ शादी हो गया, एक लड़की को 14 साल हुआ, उसका ब्रेन ट्यूमर निकला है, वो 3 लाख रुपया इसका खर्चा हुआ, तो ज़्यादा पैसा उधर ही हो गया। अभी जाएगा पैसा कमाएगा तो घर भेजेगा, तो फिर उसका दवाई के लिए कम पड़ता है ना, इसीलिए और मेरा मूड भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जाता हूँ। अभी मेरा बीबी भी नाम बोलता था, मैं ऐसे जिद लेकर आया, मैं जाएगा दो पैसा कमाएगा तो तुम लोग को मेडिसिन ला सकते, और अभी परीक्षा खलास हो गया, वो बच्चे लोग का फिर भी वो किताब वो सब लाएंगे, खर्चा भी होगा, इसीलिए मैं आया। लेकिन वो मेन ट्यूमर हट गया? नहीं, ट्यूमर अभी हट गया था, 4 महीना बंद हो गया, फिर अभी 15 दिन से उल्टी और सर का दर्द होता है, फिर इसका एक दवाई है तो अभी दवाई देना पड़ता है रोज़, एक इंजेक्शन है, तो इतना पैसा खर्चा हुआ तो उसका ठीक नहीं हुआ, तो हम पिताजी होने से दिल दुखेगा ही ना, अच्छा नहीं लगता है। अभी बात बोलते हैं लेकिन मन में रोते हैं, इतना दिल घबराता है, हर पल उनका मन करता है मेरा बेटी ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, और क्या बोलूं। और आदमी कहता है ना भैया सब कुछ, भैया खाना खाया? हाँ गरम है खाना, पानी दे दिया खाना का, पीने का पानी। उसका उनका बात सोच सोच के मेरा भी दिमाग घूम जाता है। पकड़ो भाई, भैया भैया पकड़ो, हाँ नहीं, और 2 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे, सबके लिए करना पड़ता है ना, उसके अभी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इसीलिए तो ज़्यादा करना पड़ता है, इसी बात है। और एक ही खाना है बोले भैया, एक ही खाना है बोले भाई, आप लगे रहेंगे और सही हो जाएगा। पकड़ो पकड़ो भैया, गुरु जी भी आप पैसे दो भाई, पैसे दो भैया, वही तो और गुरु जी का ऊपर ही भरोसा है ना, वो तो सब कुछ करते है, हम जो मांगते है वो दिलते है। हुआ है आपके साथ, आपने पहले कुछ मांगा और कुछ? खाना, खाना, हाँ, खाना अभी खाना खाना भगवान को ठाकुर को बोला, ठाकुर जी और अभी इतना समस्या तुम पार करो, अभी मैं नहीं कर सकता है, अभी इतना कहाँ से पैसा लाऊंगा, अरे अभी मेरे को कटक बड़ा मेडिकल से मेरे को भेजे, बेंगलोर बड़ा मेडिकल जाओ और वहाँ कटक बड़ा दवाखाना जाओ, अरे ऑपरेशन होगा तो मर जाएगा, और पानी रहा था ना, अभी नहीं आ रहा है भैया, अब कंप्यूटर में सफा करेगा तो कैंसर हो जाएगा, इसीलिए वो मेरे को हर बात वही मेरा मन में आता है, तो पानी नहीं देता है, हम देता है पानी, पानी देता है, आदमी का नजर से मैं फंसता रहता है, लेकिन मैं जब कार्टन चाहिए, कार्टन मन चाहिए। में थोड़ा 2 कदम चलता है उनका मेरा मूड में वही आता है, इतना बड़ा हो गया आज नहीं तो उसका कल शादी होगी होगा, तो ऐसा होगा तो मैं क्या करूँ, वही टेंशन मेरे को। तो हमारा भगवान हम जो चाहते हमारा मंदिर तक पहुँचाते। खाना भैया, खाना, खाना किसका भाई, खाना सर, और ज्यादा नहीं बोल सकता है, अभी क्या घर का टेंशन है ना, अभी बहुत दिल दुखता है, इसीलिए मूड खराब करके इधर बैठा था, आप लोग मिला है तो आपका दिल नहीं बेला सकता था, इसीलिए थोड़ा कुछ बोले। Thank you.
ये LKG में है, ये इसने अभी फिफ्थ क्लास के एग्जाम दिए हैं। बैंक में नौकरी करनी है। अच्छा लगता है। दो साल हो गए लेकिन अभी तक 100 तक की काउंटिंग नहीं आती इस लड़की को। हम ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं डालते क्योंकि जब ये 6-7-8 महीने की थी, जब इसकी बहुत बीमार हो गई, सिर्फ 1 ग्राम खून पर बचाया हमने इसे, 1 ग्राम खून और 17,000 सेल पे बचाया है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लुधियाना का सबसे बड़ा में एक DMC हॉस्पिटल बहुत फेमस है, नंबर 1 पे आता है, उस हॉस्पिटल में इस लड़की को जवाब दे दिए थे कि हम बचा नहीं पाएंगे। तो बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, सर कोशिश कीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने कोशिश किया, कामयाब हो गए। 18 दिन वहाँ पे लेके रहा इसको, तब जाके सेट है, आज सामने खेल रही है। नहीं तो हालत इतनी ख़राब थी कि घर वाले खुद भगवान से प्रे करें कि भाई इसको आप ही ले जाओ, इतनी करें, इतनी हालत देखी ना। यह शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें सुई ना चुभाई हो। मेरे को घर में कोई भी बड़ा हो छोटा हो, मेरे को किसी की परवाह नहीं होती है। जो कोई इसको रुलाता तो मैं उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ जल्दी। तो ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने इसको इनको रुलाया हो? और नहीं, सबको मालूम है कि भाई इसको रुला दिया तो इसने सबको तंग कर देना, इसलिए कोई इसको रुलाता नहीं है। घर में सब इसको खुशी रखते हैं। दो लड़कियां हैं, लड़का चाहिए इनको। ये हमारे समाज में होता है ना कि बेटे का मतलब बहुत ही ज्यादा वो होता है घर में, कि लड़का एक होना ही चाहिए घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब चाहते हैं ना कि देखिए, मान लो कोई वंश आगे चलाने के लिए तो फिर किसी न किसी को तो चाहिए चाहिए, इसलिए ही चाहते हैं। नहीं तो कोई बेटियों से नफरत थोड़ी ना आज के टाइम में कर रहा है, क्योंकि बेटे को सभी देख रहे हैं कौन कितना माँ बाप को पूज रहा है। ये तो सभी के घर में थोड़ा बहुत सब में लगा ही रहता है। तो बेटियाँ तो इतनी ही है कि चलो दूर पराई भी हो जाती हैं तब भी आने पे पानी तो देती हैं। ये तो नॉर्मली हो गई हैं, अब डर लगता है क्योंकि डायबिटीज में बहुत डर लगता है। आप दवाई वगैरह डायबिटीज की सब दे रही हैं? हाँ, परहेज भी है, दवाइयाँ भी हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज जिसको एक बार हो जाती है, चाहे वो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए फिर अभी से ही इतना वो करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ प्रेगनेंसी टाइप में कितना क्या करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। से अभी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई बात नहीं होती, लेकिन उस टाइम में तो मतलब बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में फिर अपने को भी खतरा है, होने वाले बच्चे को भी, उसके ऊपर भी जाए, फिर डिलीवरी टाइम में भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब मतलब वीकनेस भी इसमें काफ़ी रहती है शरीर में से, अभी से नहीं लगता कि हम जैसे ठीक हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हुआ ही रहता। तो उस टाइम में मतलब 1 साल निकालना बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमको। तो आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा रुक के बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए? रुक के तो नहीं, मैं मतलब अब ये 6 साल की तो हो ही गई है, अब ये भी बड़ी हो रही है, अब मतलब गली के भी सब कहते हैं तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब एक चांस ले लो, अब ठीक है। पर अंदर से डर लगता है ना, डायबिटीज की वजह से अंदर से डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। पुलिस से 100 नंबर में फोन करके पकड़वाया था, फिर वहाँ से भी छुटा के आके फिर मरने लगा। तो मैं कैसे क्या करूँगा? मैं बहुत समझाती थी, बहुत समझाते, तुम पियो, पी के आराम से सो जाओ, मेरे को कुछ मत करो। बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। तब कभी बोलेगा तेरे को मार के बस्ता में पैक करके फेंक दूँ, कोई नहीं जान पाएगा, बहुत कुछ बोलते हैं। सब में दिक्कत से मेरे को दूसरे दिन मारा, कल नहीं, उसका आगे दिन मेरे को मारा रात को, ठीक है। तो दूसरे दिन भी इतना आदमी के सामने मेरे को बोल रहे हैं तेरे को मार डालूंगा, सरिया घुसा रहा था पेट में,
तब मैं दिक्कत से ना मेरा मेरे पास 3,100 रुपया था पैसा, तब वो भी छीन के ले लिया। मैं क्या करूँ, मेरे को मार डालो बोल रहे, मैं क्या करूँ ना, मम्मी पापा है बच्चे और मेरे को ऐसे करते रहते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक दिन नहीं ऐसे दिन ऐसे करते मेरे को दिन, तो मैं कितना बर्दाश्त करूँ। मैं भी तो एक औरत हूँ ना, एक भी इंसान हूँ मैं, अगर मेरे को इसे करते रहेंगे तो मैं कितना बर्दाश्त करूँ। मम्मी पापा है बच्चे, मेरे को मार डालेगा तो वही सोच के मैं निकल गया। अरे इतना सारे आदमी इतना समझाते हैं, कभी समझता नहीं। मैं खुद मर्ज, मैं खुद गर्जी हूँ इसे बोलते हैं किसी को भी। क्या करूँ मैं, मेरा मन में तो बुरा बुरा ही है, क्या करूँ। मैं सोच रहे हैं अपना बच्चे के पास जाऊं तो मेरा थोड़ा मन में भी अच्छा लगेगा, मम्मी पापा से मिलूं तो मेरे को अच्छा लगेगा। भूखा में रहूं फिर भी शांति में रहूं, अपना गांव में जाऊं तो। रिजर्वेशन मांगे और रिजर्वेशन उनको नहीं जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम है, जिनको बेचारों को रोजगार नहीं है, बेकार घूमते फिरते हैं, जिनके परिवार अच्छे खाते नहीं है, रिजर्वेशन उन लोगों को दो। वो आरएसएस वाले तो यही कहते हैं, हम अपने आरएसएस नहीं अपने मन की बात करते हैं। और रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे नहीं होनी, कास्ट बेसिस पे जरूरी थी। हमने सदियों हजारों वर्ष से ये जो वाल्मीकि हैं या चामर हैं या ऐसे जुलाए हैं ऐसे लोग, इनको दबाया है, हम ही ने दबाया, हमने नफरत की या पास नहीं बिठाया, छुआछात करते रहे हैं, नफरत करते रहे, उनके हाथ की लगी हुई चीज़ नहीं हाथ नहीं चेक करते। ये गलत बातें जी, मैं कहता हूँ उसके इंसान के व्यवसाय के बेसिस पे होना चाहिए। अगर कोई पिछड़ा हुआ है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, जैसे हैं जो बहुत पुअर तबका है, मिडिल मैन से कम है जो, उनकी रिजर्वेशन करो। ये ना देखो कि ये फलां जात का है, आज ये है कल को सिख रिजर्वेशन मांगेंगे, परसों को खत्री मांगेंगे, चौथे को उनको देख के बनिए मांगेंगे, मांगेंगे ही नहीं, यानी जो भी जात है आखिर ब्राह्मण ब्राह्मण भी मांगने लगेंगे, मांग कर देख के करेंगे। हम नहीं मांगते रिजर्वेशन, क्या कुछ हो जाए, बैठना नहीं है तुम्हें, आशीर्वाद देना।
जल्दी हो, मैं इतनी मुश्किल से बैठने थोड़ी आई। खड़ा हो, जैसा रुक ले। अब तू सुनाई करेगा कैसे? नहीं ऐसा हो सकता है, त्योहार के टाइम तेरे पास नहीं है? होली खेलना जा रहा, क्या करने जा रहा भाभी के साथ? झूला वाला कुश्ती समझता है? कुश्ती90% तो ऐसे ही है, उनको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये विदर भी है, और फिर हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा ये बात है, अगर लड़की इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि लड़की की जब शादी करते हैं ना तो शादी में पता नहीं कितने रुपए लगते हैं। क्यों लगते? क्योंकि दहेज देना पड़ता है। दहेज नहीं देते हो तो वैसे खाने पीने में 4-5 लाख रुपये वो, और जैसे कुछ डालना पड़ता है सोना चांदी के, कुछ फिर देना भी पड़ता है। वो गलत है तो वो समाज ने बना रखा है। अब आपका जो भी समाज करता है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप गरीब हो तो किसी को नहीं पता। अब जब बढ़िया आपने लड़की के लिए, तो सब माँ बाप ये सोचते हैं कि अच्छा नौकरी वाला मिले, सर्विस वाला मिले, और खेती बाड़ी भी हो, सब कुछ देखते हैं। तो सब कुछ देखते हैं तो उसको देना पड़ता है कुछ, तो इसलिए इधर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। वैसे दहेज देना तो गलत है ना? नहीं, वो गलत तो है, वो तो हमको पता है आपको पता है, पर मैं आपको एक मिनिमम बात बता दी आपके इच्छा से दे, वो बात अलग है। नहीं, वो चलन बना लिया, फैशन बना लिया। 50-70% तो लोग मांगते हैं। अच्छा, हाँ डिमांड करते हैं, और 30% रहे तो 30% ऐसे भी हैं उनको भी कुछ न कुछ तो, उनको देख के वो भी कुछ न कुछ तो करेगा अपनी क्षमता से ज़्यादा। हाँ, तो आपके लिए भी आया था? हाँ आया था। दहेज तो नहीं, वो तो देखो हमने तो, जैसे मैं तुम्हें ये बताऊँ मैंने मांगा अगर नहीं मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो देना है उनको, पर वो अपनी क्षमता से ज़्यादा देते। तुम्हारे पास 5 लाख रुपये है लड़की में लगाने के, पर 5 लाख रुपये से कुछ होगा ही नहीं। 5 लाख में तो 500 आदमी बारात के जीमने जीमने में चले जाते हैं, जैसे खाना खिलाने में। 500 आदमी होगा खाना खिलाने में 5 लाख रुपए चले जाते हैं, बाकी तो सब कुछ पड़ा ही रहा। आप 500 पे इतना हैरान क्यों हैं? राजस्थान में बहुत कम आते हैं क्या? राजस्थान में मुश्किल से 40-50, अगर 100 आगे ने तो फिर मतलब दोबारा है ना, मतलब कई दिनों तक ये चर्चा होती है, फिर आगे से पाबंद करते कि इतने नहीं होने चाहिए। 500 यार, किसको कहते हैं 500? गलत है ना ये जो युवा है? नहीं नहीं, वो रोक लगानी चाहिए ना इस पर, ऐसी प्रथा को, ऐसा सिस्टम जो बना रखा है उसको कम करना चाहिए। आप किधर के हो? राजस्थान। राजस्थान में जैसे सरपंची जो लड़ता है वो कितना रुपये खर्च करता है? दो आपके कितना खर्चा करते हैं मिनिमम, जैसे एक सरपंच का खर्चा? पता नहीं है बाबू, इतना इतनी अपने जानकारी नहीं। आइडिया लगा सकते हैं? क्या पता, करते होंगे 40-50 हज़ार तो करते ही होंगे खर्च। हमारे 20 से 25 के बीच में खर्चा होता है, लाख 20 से 25 लाख के बीच में खर्चा होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ऐसा क्या सर? ऐसा तुम जो मांगो वो मिलेगा तुम्हें। तुम कहीं जाओ, होटल में जाओ, मुर्गे खाओ, दारू पियो, कुछ भी करो, बियर पियो, जो तुम बोल दिया वो मिलेगा तुम्हें। आम आदमी तो ये जो इलेक्शन होते हैं
इनमें कोई गरीब आदमी तो खड़ा नहीं होगा भैया, मैं जाके खड़ा हो गया, मेरे पास 5 रुपए है नहीं और मैं सरपंच जी का लड़ लूं। जिनके पास है वही खर्च करेंगे, तो पानी की तरह पैसे बहाएंगे तो उनके पास है ही, तो उसमें सरपंच वो पैसे वाले ही बन रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी का मतलब मौका नहीं आ रहा है। नहीं, गरीब का कहाँ से आएगा, तो आना चाहिए ना कि नहीं आना चाहिए? नहीं, वो तो देख, सरपंच तो होता है तो वो बढ़िया होता है, बस सभी को एक बार बोले तो रुक जाए आदमी, सरपंच ठुंडा बढ़िया लगता है। वो गरीब आदमी मुझे बोल दिया भैया तू सरपंच बन जा, सरपंच बन गया मैं, और मैं आपको बोलूँगा काका इधर के नहीं जाना, इधर के जाना है, तू बोला सड़क दूंगा तेरे दो रह पर चल, तो फिर सरपंच भी ठीक ठाक होना चाहिए ना। बहुत लाइट की प्रॉब्लम है वहाँ, ट्रांसफॉर्म खराब हो गया, 3 महीना हो गया उसको।
किस साइड? हाँ गुंडीपुरा में, चौगम गुंडीपुरा में, जो आपका गांव है। हाँ 3 महीना हो गया उसका, तो फिर अभी लाया नहीं उसने। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, उसने लिया अभी लाया नहीं उसने, अभी तो खराब ही है। तो सबके कारण भी आपका है? हाँ बहुत बार गया स्टैंड के पास, उसने बोला 10-15 दिन लगे, उसने फिर लाया नहीं, यही प्रॉब्लम है। मतलब मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब हाँ। मुझे तो कुछ पता नहीं ज़्यादा, तो मैंने अपना नहीं बनाया ओपिनियन। हाँ। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? कौन है फेवर में? हाँ कि आप पाकिस्तान के फेवर में क्यों हैं? वो तो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं और क्या। बट इंडिया में तो और भी जगह पे बहुत सारे मुसलमान हैं। हाँ। हम क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं, हम भी खेलते हैं क्रिकेट। हाँ। वही पर आप अगर देखो यूपी देखो, हैदराबाद देखो, हम गया नहीं वहाँ, हमको पता क्या है। हाँ, जैसे मैं दिल्ली गया था। हाँ। मैं जामा मस्जिद हर बार जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ। और मैं जामा मस्जिद हमेशा जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ पे, और लोग खुश हैं वहाँ पे। अच्छा है, मौके पे ठीक है। आपको जाना चाहिए, घूमना चाहिए बाहर। अब जाएंगे, अब तो बड़ा हो गया, आप जाएंगे। हाँ। तो ट्रेन व्रेन भी बन रही है। हाँ। आप तो पहली बार आए कश्मीर? मैं तो पहली बार आया हूँ। ये अच्छा है, ट्रेन अच्छा फायदा है। आपको लगा आपकी जिंदगी और क्या, और क्या सबसे बढ़िया। पहली बार ट्रेन आया कश्मीर तो अच्छा है। आप चाहते हैं कटरा से बनी हाल भी जुड़ जाए? और क्या, फिर आप फिर मजा आएगा, फिर जाएंगे। आपका मन है पूरा इंडिया घूमने का? और क्या, कहाँ जाने का मन है सबसे ज़्यादा? सबसे मोहाली जाएंगे। मोहाली? मोहाली हाँ, वहाँ तो अच्छा है, लोग हैं मोहाली में। क्या क्या मोहाली में क्या देखेंगे? मोहाली में हाँ, वहाँ तो स्टेडियम देखेंगे, खिलाड़ियों से बातें करेंगे, और क्या। क्या बात है, और क्या। तो हम क्रिकेट टीम में भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? हाँ। अच्छा, तो सेकंड पे इंडिया या इंडिया को करते ही नहीं है कभी? नहीं, इंडिया को हम करते नहीं। बट फिर आप किन खिलाड़ियों से बात करेंगे मोहाली जाके? मैं सचिन तो अच्छा है, सचिन भी, विराट कोहली भी अच्छा है, सचिन वो खेलते हैं। अच्छा। वो खेलते हैं अच्छा। मेरा भाई ने सब एरिया देखा, मेरा भाई ने। अच्छा, वो तो फौज में, उसने सब एरिया देखा। वो किस में? सीआरपीएफ में। अच्छा, वो सीआरपीएफ में है, आसाम में आज है। अच्छा अच्छा, तो वो किसको सपोर्ट करते हैं? वो हिंदुस्तान को करते हैं। जब हम दोनों घर में आते हैं, फिर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हम तो बकवास करते हैं दोनों। वो करता है हिंदुस्तान को सपोर्ट, मैं करता हूँ पाकिस्तान का। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। भैया भाई आर्मी में वो करता है हिंदुस्तान को सपोर्ट। जब मैं कोई नौकरी करूँगा, मैं करूँगा फिर हिंदुस्तान को सपोर्ट, यही ना। कोई जॉब जब मिलेगा उसको तो मिल गया, उसको पता है अच्छा क्या है। तो अगर आपको जॉब मिल जाएगी और बिजली आ जाएगी, फिर पता लगेगा कौन सा अच्छा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, हमको जब बिजली भी नहीं, कुछ नहीं, हिंदुस्तान क्या है, कुछ नहीं। वही है, तो देखे नहीं। आपको पता है इसके बारे में? हमको पता है। नहीं, मेरे बारे में नहीं पता है। आपको नहीं क्यों बना? क्यों एआर रहमान ने म्यूजिक दिया उसमें? एआर रहमान को भी काफी धमकियां मिली थी उसके बारे में। ऐसा मिलना चाहिए नहीं, उसमें उस फिल्म में उनकी शक्ल नहीं दिखाई है, मोहम्मद की शक्ल नहीं दिखाई। मोहम्मद का शक्ल कैसे देख सकते हैं? हां नहीं दिखाया उस फिल्म में, नहीं दिखाया उसमें। अगर वो थोड़ा से बोले हैं, अभी हुई नहीं है, ये बन चुकी है, अभी नहीं बनी है। ईरान में रिलीज भी हो चुकी है। हाँ। अभी इंडिया अभी रिलीज हो रहा है, इंडिया में नहीं हुआ है, शायद होगा भी नहीं, होने होगा भी तो नहीं इसको इंशाल्लाह। मैं तो चाहता हूँ कि रिलीज हर एक जगह नहीं होना चाहिए। नहीं, बेशक नहीं होने देने। ऐसा क्यों? वो अगर वो तो बोल डायरेक्ट बोला, अब जिसको मिलेंगे ही तो मोहम्मद ही मिलेंगे। वो जानते हैं, वो आज का इंसान है। जब मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जामे कौसर अगर पिला दिया ना, तो सारी बैठ के ऐसे पिएंगे पूरी इंसान। उसको कौन देखेगा? क़यामत के दिन सिर्फ वो मुफरत था, वही फरमाएंगे। अगर वो जो फिल्म के बारे में बोलता रहा,
फिल्म नहीं हो सकते। ये पिक्चर देखता है तो हमारे हुजूर सल्लम जो है उनका नाम, उनका आवाज हम लोग के कान में बैठ जाएगा और उनके बारे में जब भी सोचेंगे तो वही आएगा। इसके लिए उनके जैसा कोई था ही नहीं, तो फिर अभी वो आएगा तो इंसान भटक जाएगा, इस्लामी को भटक जाएगा, इसके वजह से नहीं देना चाहते। उसके जैसा बोलते आज बोलते हैं उसके जैसा इंसान है माशाल्लाह। उसके वो तो डायरेक्ट वो कितना ही इल्म थे उसके इल्म में बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते। टॉपिक पे ना बात करो तो अच्छा है, हम लोग भी गलत कर रहे हैं क्योंकि आप भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। उनके बारे में ना बात करो तो बेहतर है, ठीक है? सबसे बड़ी बात वो बात ही मत करो, अभी दूसरा जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करो। आपका काम है वो पिक्चर नहीं देखो बस, और आपका काम है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मतलब जिनको देखना है देख सकते हैं, या तो फिर उस मैसेज के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आवाज़ नहीं सुना तो मैसेज उसका कहानी का ट्विस्ट पढ़ सकते हो कैसा है, लायरिक देख सकते हो आप। अब्दुल कलाम के बारे में बात बोल रहे थे, चलो सब कुछ किए, अब्दुल कलाम के सामने और कौन थे आगे? बहुत लोग थे, किसको जानना चाहते हो? जैसे आप बता सकते तो मैं भी जान लूँगा। चलो आगे भी बहुत लोग थे, पीछे भी बहुत थे, लेकिन आप जानना किसको चाहते हैं, किसके बारे में? अब्दुल कलाम के जैसा इंडिया में अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। भारत को मिसाइल देने वाला पहला मैन वही है, ठीक है? और वो उसके लाइफ के बारे में आपको बता दूँ, वो ऐसा इंसान था, राष्ट्रपति थे ना, अपना जितना कमाई का इनकम था ए टू जेड जितना पैसा था कभी अपने लिए नहीं खाए, पूरा अनाथालय मस्जिद मंदिर सब उनका मरने के बाद ए टू जेड पूरा। किधर कितना लोग सोचे कि ब्लैक मनी होगा, इधर होगा, मंदिर बनाया और मस्जिद बनाया, बहुत से जगह बनाया वो। मैं तो आज तक पेपर में भी देखे। कहां से देखोगे जब उनके बारे में, जब उनका डिटेल देखोगे कि उनका डिटेल देखोगे तभी ना मालूम पड़ेगा वो क्या किए क्या नहीं किए। कभी ये तो नहीं दिखाया कि मिसाइल पे वो घूम रहे हैं या मिसाइल वो वही बना के दिखाया। हम जानते हैं कि अब्दुल कलाम बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, इंडिया के नंबर वन साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे। ये नहीं मालूम कि वो मिसाइल दिए, ये भी मालूम है मेरे को मिसाइल दिए भाई। मैं कहां बोल रहा हूं, कभी मिसाइल पे घूमे हो? देखे तुम मिसाइल पे घूमते हो? चलो कलाम का पूरा नाम मालूम है आपको? एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम नहीं, पूरा नहीं मालूम है मैं, यही तक पूरा नाम। आपको नाम मालूम है? हाँ, अब्दुल पाकिज जैनुल कलाम हुसैन। शिवाजी एम जी आर जेमिनी दिस इज अ फाइट। रजनीकांत ने माय फेवरेट हीरो, माय फैन इज रजनीकांत इज फैन, आई लाइक यू बट आई सो मिस यू द रजनीकांत, बट आई सो वेरी वेरी लाइक यू रजनी 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 जय रजनी हरी सर। स्टाइल 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 रजनीकांत एक एक मूवीज में ज्यादा प्यार,
பொல்லாதவன் மொரட்டு காலை பஹுத் லிங்கா லிங்கா மே லாஸ்ட் ஃபைனல் மே பேரண்ட்ஸ் சூட் மே ஜாயேகா பெலே ஓ கிராண்ட் ஃபாதர் ஓ பாத் கரேகா ஓ கார்ட் கு பஹுத் 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 சுந்தர் ஹை ரஜினி சாய் கமல் அண்ட் ரஜினி ஃபன்ஸ் டைட் சினிஃபில் ஃபன்ஸ் டைட் டூ மேன்ஸும் ஃபன்ஸ் டைட் ரஜினி இஸ் அ ஸ்மால் பிக் கமல் இக்கியோ நேட்டிவ் பிளஸ் ரஜினிகாந்த் இஸ் பெங்களூர் பெங்களூர் டு கம்மிங் டு தமிழ்நாடு இஸ் டோட்டலி பேனிக் Total people's panic. People's, I talking the very, very, very interested people on the hero, this real hero is Rajinikanth. I am handsome. Salute. Rajinikanth is very, 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 I proud of you. MGR is a film aadmi hai. Jayalalitha, wo to heroine, wo bhi chief minister banayega. Wo Kalangir Karunanidhi, wo bhi director. Film play, wo director. Bahut achha director. Number one director. ரைட்டர் ஓபி பனாயகா பௌத் ஆத்மி லோக் சினிமா சே இதர் ஆயகா ஐ ஆம் டிஎம்கே டிஎம்கே ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம்கே எம்ஜிஆர் டைட் எம்ஜிஆர் எக்ஸ்பைர்ட் ஆல் படி கோ டு டிஎம்கே ஜெயலலிதா இஸ் அ ரஃப் அண்ட் டஃப் கேர் ஜென்ஸ் இஸ் அ ஸ்லேவ்ஸ் டெல்லிங் ஐ ஆம் நாட் லைக்கிங் Take it. Namaskar. Namaskar. Thank you. No mention, always welcome. I am very, very, very proud of you. Next time coming to you from? I am from Gurdaspur, Punjab. Punjab. Punjab to coming to this side. And we are traveling in train throughout India. Going to? Total. India. India Muluk Sutra. Okay. We started in Mumbai. Yes. Now we are completing our circle. We are going to Kanyakumari now. Okay. நடக்குதுன்னு நல்லா பாக்குறாங்க
na 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 na